हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ सुनीता जी के घर पर, जो बिल्कुल मेरी बहन की तरह हैं, तो चलते हैं। आज मैं आई हूँ सुनीता जी के घर पे और इन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो मैं एक बिल्कुल अलग तरह का आपको फ्रूट दिखा रही हूँ, आप भी पहचानिए कौन सा है। ये पहाड़ी फ्रूट है कोई? हाँ बिल्कुल अलग है, दूसरा लग रहा है। ये पकता है ना तो सलाद के काम में आता है। ये बिल्कुल नीचे लग रहा है, बहुत अलग है ये सलाद के। ये आंवले का है बिल्कुल। सुनीता जी बहुत मेहनत करो आप, वास्तव में अरे वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया, सब आपकी मेहनत है। नहीं गर्मी भी तो कितनी है। तो मैं भी ले जाऊंगी आज दो, आज दो दो तीन तो मैं भी ले जाऊंगी, घर की चीज है भाई, इसलिए बहुत ही सुंदर। मैडम आप तो सब कुछ घर में उगा लिया है, बहुत बढ़िया। ये पपीते का ये मीठा नहीं मैंने, बहुत बढ़िया। सुनीता जी मुझे सारे पौधे दिखा रहे हैं अपने। ये काय का है? चीकू का। ये खजूर है, वास्तव में बहुत हिफाजत से। गाड़ी से बहुत बढ़िया, पर्यावरण में पूरी तरह से साथ हो आप। इस तरह आगे और पौधे बता रहे हैं अपने, तो ये है नींबू का, और सुनीता जी बता रहे हैं कि इसमें साल भर नींबू आते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, और ये नीम उगा रखा है, ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। और ये आम का है, देखिए बता रहे हैं कि आम तोड़ लिए हमने, उगे थे इसके अंदर छोटे से में, और ये भी आम के ही हैं। और ये है चीकू का, और वो बता रहे हैं चीकू है इसके अंदर लगा हुआ। और ये देखिए ये चीकू लगा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। ये तो अपना खास रायता बनाते हैं ना, मेरा साल बहुत ही लगे। दो आम भी लगी है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं भी लगा लेती हूँ हाथ इनके, रुको। वाह यार, ये पहले पहले आम देखे पेड़ की, बहुत खुशी होती है अपने घर के फ्रूट्स। हाँ हाँ, और ये संतरे का पौधा है, प्रकृति से प्यार करने वाले कितनी मेहनत करते हैं, तो प्रकृति भी निश्चित रूप से देती ही है, तो बदले में प्रकृति ने इन्हें शुद्ध फल शुद्ध हवा दे रही है। ये खजूर है, इस तरह से काफ़ी पौधे और पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं,
दिखा रहे हैं हमें अनार। ये देखिए छोटा ही है, सुंदर लग रहे हैं। बहुत मेहनत की है आपने, वास्तव में बना रहे हैं पौधों के अंदर बहुत बढ़िया से। आप और अभी बता रहे हैं, खाया करो आप इनको। ये भी अनार लगे हुए हैं, आप देख ही सकते हैं, दूर से ही दिखाई दे रहे हैं। ये फलों से लदा हुआ अनार से पौधा तो लगे हुए हैं। तो अच्छे से बता रहे हैं कि इनके बीच में आप बहुत सुंदर लग रहे हो। और ये अपने आप ही ये बेल लगे, बेल की झाड़ी है ये ना, इसके बेल मीठे हैं। ये हमारे राजस्थान की अपनी मेन झाड़ी है भाई, जो किचन का पानी आता है। ये है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष। ये बहुत घना हो जाएगा बाद में। आगे चल रहे हैं अब हम। ये अभी छोटे छोटे नए पौधे हो लगाए हैं, बारिश आ रही है, ये घने हो जाएंगे अभी। और ये देखिए यहाँ पर ये खेजड़ी कितने बड़ी फैली हुई है। और इसके अंदर जो ये आप लटकती हुई तोरू देख रहे हैं वो अब सूख चुकी है, तोरू की बेल ऊपर तक चली गई थी। ये देखिए ये तोरू की बेल है, इस तरह से सुनीता जी ने अपना पूरा ये बहुत ही शानदार गार्डन दिखाया मुझे, बहुत ही बढ़िया। और सुनीता जी बता रहे हैं कि ये भी हमने लगाया नहीं था, वो किचन के पानी में से के थ्रू कोई बीज आया और उसके कारण ये जो है पौधा लग गया नींबू का। और जब मैंने कहा कि बहुत मेहनत करते हो आप, तो कह रहे थे कि इनका श्रेय ये अपने हस्बैंड को दे रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। वास्तव में ही भाई साहब ने बहुत मेहनत की है इन सबको पौधों को लगाने में, क्योंकि हजार बच्चों के बराबर एक पौधा होता है, उसको उसकी देखरेख बहुत ही जरूरी होती है। बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं और बहुत चेंजिंग है, अभी तो घर दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है। आज मैं लेके गई दो तीन तोड़ की इस तरह से सुनीता जी ने अपने घर के सभी पौधे दिखाए। और ये मौसमी का देखिए आप किस तरह से पौधा फैल रहा है, और इसमें मौसमी लगी हुई है, बहुत ही इनका नेचर बढ़िया है। इनकी जितनी तारीफ करूँ कम है, और वैसे मैं मतलब मेरा पूरा स्टाफ ही बहुत बढ़िया है, मेरी बहनों की तरह हैं ये सब। इस दुख की घड़ी में इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं मेरे स्टाफ का, सबका, एचएम मैडम का, जितना भी कहूँ कम है। तो इस तरह से हम सुनीता जी का जो शानदार गार्डन है वो देख रहे हैं। और सुनीता जी ये साथ साथ में नींबू वगैरह भी तोड़ रहे हैं। प्रकृति से प्रेम तो होना ही चाहिए, दो फायदे हैं इसके, एक तो शुद्ध वातावरण और साथ में ही हमें अपने घर के शुद्ध फल मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अच्छा कागजी नींबू है ये है, ये देखिए ये गंवार की फली है, ये जामुन का है। वाह, ऐसा कोई फ्रूट नहीं रहा है यहाँ पे, अब एप्पल और लगा लो। अच्छा बहुत ही बढ़िया, काय काय चंपा का, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा कौन सी औषधि है तो भी है ना, मतलब काफी ख्याल रखा, नहीं तो मतलब गमले के जो पौधे है ना वो ही जड़ गए। नींबू के काफी लगा रखे हो ना, ये अशोक का है।
सुंदर सा नजारा। ये इधर से उब जाओ तो इधर खेत की तरफ आ जाओ। ये सारी मेहंदी है ना, आप चल जाओ इनमें, फिर मैं दूंगी इनमें। बहुत बहुत प्यारा कर रखा है, बहुत। मोगरे का ना, बहुत खुशबू। और ये तो अभी फैलेगी और अच्छा यूं। बहुत ही बढ़िया। आगे ये इन्होंने मेहंदी लगा रखी है, ये फ्रंट का है, वो पिछला हिस्सा था जहाँ पेड़ लगा रखे थे और पौधे लगा रखे थे बहुत सारे रूट्स वगैरह के। ये फ्रंट का हिस्सा है, मेहंदी लगाई है चारों ओर और गमलों में। यहाँ अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि बिच्छू काटी जिसे बोलते हैं वो लगा रखी है। ये होता आपके जैसे आपका मन बहुत सुंदर है, घर भी तो सुंदर है, आप खुद बहुत अच्छे इंसान हो। वाह, सबसे सुंदर जगह है। देखो, मैं आप सफ़ेद फूलों से लदा हुआ ये मोगरे का पौधा बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत ही सुंदर वाइट फ्लावर मोगरे के, इतनी तो अच्छी खुशबू आ रही है इनके अंदर। और ये इतना शानदार घर, बहुत ही प्यारा सुनीता जी का घर है ये। बच्चे तो अभी पढ़ने के लिए गए हुए हैं। ये भी बहुत अच्छी सी बिच्छू काटी जिसे बोलते हैं वो है ये। फिर भी आपने बहुत अच्छे से ख्याल रख रखा है, वरना लोगों के तो सब जल गए पौधे। और अब मैं कॉफी वगैरह लेकर और आ गई हूँ वापस घर की ओर। ये अब बारिश का मौसम हो गया है, बारिश शुरू हो गई है, बल्कि मैं जल्दी से अब घर पर आकर काम में लग जाती हूँ। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? थैंक यू फॉर वॉचिंग।